डयर स्टूडेंट्स जब हम लोग वेब अप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं तो कुछ पैटर्नस हमारे पास प्रजेंटेशन के हवाले से भी एग्जिस्ट करते हैं इन पैटर्नस में जो सबसे कॉमनली यूज होता है और जो सबसे पॉपुलर है इट इज़ मॉडल व्यू कंट्रोलर इनफैक्ट मॉडल व्यू कंट्रोलर की बहुत सी डिफरेंट आपको वेरिएशनस मिलेंगे इवन पी एच पी के डिफरेंट जो फ्रेमवर्कस हैं वो हमारे पास एम बी सी को डिफरेंट वे में इम्प्लीमेंट करते हैं लेट्स है लुक एट द बिगर पिक्चर एंड गेट द मेन आइडिया कि एक एम जो मॉडल है वो हमारे पास कैसे काम करता है हमारे पास एक वेब वेब के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे पास एक यूज़र होगा जो हमारी वेबसाइट को ब्राउज कर रहा है अब उसने किसी एक वेब पेज की रिक्वेस्ट की लेट्स वो जो कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं उनकी लिस्ट देखना चाहता है यूनिवर्सिटी के अंदर वो क्या करेगा कि एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि आई वॉन्ट टू सी ऑल दर्सेज अब वो जो रिक्वेस्ट है वो हमारे पास एक कंट्रोलर के पास जाएगी कंट्रोलर इज़ बेसिकली मैंट टू रिसीव रिक्वेस्ट फ्राम द यूजर्स एंड देन प्रोसीड अकॉर्डिंगली कंट्रोलर क्या करेगा अब उसे कोर्सेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन हमें मॉडल प्रोवाइड करेगा क्योंकि जो बिजनेस लॉजिक है वो सारी की सारी हमारे पास मॉडल के अंदर इम्प्लीमेंटेड होगी कंट्रोलर जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है मॉडल को और स्पेसिफिक मॉडल को जो हमारे पास कोर्सेज से रिलेटेड है कि आई नीड अ लिस्ट ऑफ ऑल द कोर्सेज अब जो मॉडल है इसके अंदर स्पेसिफिकली हमारे पास डाटा होगा राइट वो हमारे पास लिस्ट ऑफ कोर्सेज जनरेट करेगा नाउ देर आर वेरिएशन इन एम एक हमारे पास ये हो सकता है कि हमारे पास वो जो डेटा है मॉडल प्रोवाइड कर देता है व्यू को और व्यू जो है फिर उसको रेंडर करके वो जो चीज़ है व्यू पे वो हमारे पास यूज़र देख लेगा दिस इज़ वन वेरिएशन ऑफ एम वी सी पैटर्न ऑफकोर्स देर कुड भी अदर वेरिएशन एज वेल जहाँ पे मॉडल और व्यू के बीच में हमारे पास कोई इंटरेक्शन नहीं होता और जो भी हमारे पास डाटा है कंट्रोलर जो है वो मॉडल से डाटा फैच करके लाता है और वो प्रोवाइड कर देता है व्यू को और व्यू जो है वो हमारे पास यूज़र की स्क्रीन पे रेंडर हो जाता है लेट्स अंडरस्टैंड एम वी सी इन कॉन्टेक्ट इन कॉन्टेक्ट ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जब हमारे पास एक यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसे जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो उसे एच टी एम एल सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट अगर हम लोग उसकी कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं फ्रंट एंड जनरेट करने के लिए तो उसे वो नज़र आ रहा होगा मेनली वेब पेज नज़र आ रहा है अब जब उसने उसमें से किसी लिंक को क्लिक किया और लेट्स से उसे कोर्सेस की लिस्ट चाहिए तो ये जो रिक्वेस्ट है अगर वो या तो वो फॉर्म सबमिट करेगा तो वो रिक्वेस्ट जाएगी या फिर एजेक्स के थ्रू रिक्वेस्ट जा रही होगी लेट से अगर वो फॉर्म सबमिट करता है तो एच में सबमिट का बटन जब प्रेस होगा तो ये रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास चली जाएगी कंट्रोलर जो है वो जो डेटा रिक्वायर्ड है वो भेजे वो रिक्वेस्ट भेजेगा मॉडल को राइट right? और अगर एजेक्स यूज़ हो रहा है तो हमारे पास ए की रिक्वेस्ट जावास्क्रिप्ट कंट्रोलर लेयर के थ्रू अगेन पी कंट्रोलर को आएगी मे दिस रिक्वेस्ट कैन बी हैंडल्ड बाय द सेम कंट्रोलर जो हमारे पास एच की रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है और फिर वो कंट्रोलर जो है वो अगेन जो उन मॉडल रिक्वायर्ड है उससे वो रिक्वेस्ट भेज देगा कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए अब रिस्पॉन्स में क्या होगा मॉडल के अंदर कंट्रोलर एग्जैक्टली बताएगा मॉडल को कि मुझे लिस्ट ऑफ कोर्सेज चाहिए या जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसको बताएगा अब मॉडल जो है ये इंफॉर्मेशन डेटा से फैच करके कंट्रोलर को प्रोवाइड करेगा और ये जो कंट्रोलर है ये इंफॉर्मेशन सेंड कर देगा क्लाइंट साइड पे अब क्लाइंट साइड पे हमारे पास फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं या हमारे पास सिंपल एच का स्क्रिप्ट हो सकता है जो हमारे पास यूज़र की स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगा एम से रिलेटेड हमारे पास एक फ्रंट कंट्रोलर पैटर्न है फ्रंट कंट्रोलर पैटर्न के अंदर हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले कंट्रोलर डिटरमिन करता है कि उसे रिक्वेस्ट कौन सी आई है लिस्ट ऑफ़ कोर्सेज की है लिस्ट ऑफ़ फैकल्टी मेंबर्स की है कोर्सेज ऑफर डेना पर्टिकुलर सेमेस्टर है या न्यूज़ की इंफॉर्मेशन है जो भी रिक्वेस्ट है वो उसे डिटरमिन करेगा और फिर उस को जो कॉमन रिक्वेस्ट के लिए जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म करेगा और फिर उसके बाद वो एक्शन को डिस्पैच कर देगा एक्शन कमांड को ये हमारे पास एक सिंपल फैक्ट्री को यूज़ करते हुए जो भी हमारे पास कॉन्क्रीट एक्शन चाहिए आ, उस एक्शन के अगेंस्ट जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास डिफाइंड है उसको इन्वोक करके आ, जो रिक्वायर्ड डाटा है वो पैच कर लेगा सो दिस पैटर्न इज ऑल्सो यूज इन अलॉट ऑफ एम बी सी फ्रेमवर्क